बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एमएस एक्सेस में फॉर्म्स को क्रिएट करना सीखा था और लास्ट लेक्चर में हमने उस फॉर्म में आप बटन्स को किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं, बटन्स के थ्रू मल्टीपल एक्शंस को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। और डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक फॉर्म में सब फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे, यानी एक फॉर्म में मजीद फॉर्म्स को आप किस तरह से ऐड करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हमें फॉर्म्स के अंदर सब फॉर्म को कब ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब कभी भी एक ऐसा टेबल जिसका आप फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें मल्टीपल टेबल से डाटा आ रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस ऑर्डर के टेबल को देखें तो इसके अंदर एक और टेबल से डाटा आ रहा है, एक और टेबल की कस्टमर आईडी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, जब एक टेबल का मल्टीपल टेबल्स के साथ रिलेशनशिप मौजूद हो तो फिर हमें सब फॉर्म को क्रिएट करने की भी जरूरत पड़ती है। अब जब हम इस कस्टमर का फॉर्म क्रिएट करेंगे, कस्टमर के टेबल का, तो ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेस आपको इसका सब फॉर्म भी क्रिएट करके देगा ऑर्डर के टेबल का भी। जैसे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, हमने एक कस्टमर के टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट के टैब पर जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म्स के ग्रुप में जो आपको सबसे पहला बटन नजर आ रहा है फॉर्म का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये तो कस्टमर का फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर आपको एक और भी टेबल नजर आ रहा है ऑर्डर के नाम से। क्योंकि दोस्तों, ये कस्टमर और ऑर्डर जो है ये आपस में इंटरकनेक्ट है, इनका रिलेशनशिप है कि एक कस्टमर ने जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। ये देखिए, कस्टमर थ्री ने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, इसी तरह कस्टमर थ्री ने दूसरा ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है, विच मीन्स कि इन दोनों के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है कि वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। तो इस चीज को अगर आप फॉर्म्स के अंदर किस तरह से दिखाएंगे, इसके लिए एमएस एक्सेस आपको सब फॉर्म की सहूलत प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी जब इसको क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका सब फॉर्म क्रिएट हो चुका है। यानी अब अगर आप रिकॉर्ड नंबर टू पर जाएं तो रिकॉर्ड नंबर टू जो है, जिसकी कस्टमर आईडी टू है, इसने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जिसकी आईडी है फोर, डेट है ये और अमाउंट है ये। यानी इस ऑर्डर टेबल की जितनी फील्ड्स हैं वो भी आपको इस कस्टमर के टेबल में, इस कस्टमर के फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑर्डर का फॉर्म है ये अब कहलाएगा इस कस्टमर का सब फॉर्म। और डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने देख लिया कि एमएस एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली भी जो इसकी सहूलत फराहम करता है कि वो आपको सब फॉर्म क्रिएट करके देता है। लेकिन अगर आप खुद से भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फॉर्म व्यू से जंप करेंगे डिजाइन व्यू में। यानी इस व्यू के टैब के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। तो आप सबसे पहले डिजाइन व्यू पर जंप करेंगे। डिजाइन व्यू पर जंप करने के बाद आपका डिजाइन व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आप सबसे पहले इस टेबल को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर डिजाइन के टैब में आपको कंट्रोल का ग्रुप नजर आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आपको यहाँ पर कई सारे कंट्रोल नजर आ रहे होंगे। और ये जो कंट्रोल है ये है सब फॉर्म या फिर सब रिपोर्ट का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले आप यूज कंट्रोल विजिट करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और जहां भी आप अपने सब फॉर्म को प्लेस करना चाहते हैं वहां पर आकर अपने माउस से क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सब फॉर्म विजिट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन यूज एन एग्जिस्टिंग फॉर्म टू क्रिएट योर सब फॉर्म और सब रिपोर्ट, और यू कैन क्रिएट योर ओन यूजिंग टेबल्स एंड क्वेरीज। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि ये आपके पास एक टेबल मौजूद है, अब अगर आप इसमें किसी और टेबल का सब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप वो इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास पहले से फॉर्म मौजूद है, अगर आप उसको सब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे टेबल से जो है दूसरे टेबल्स को सब फॉर्म का सब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्वेरीज। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि विच फील्ड्स वुड यू लाइक टू इंक्लूड ऑन द सब फॉर्म। यानी अब जो आपने टेबल सिलेक्ट किया था उसके कौन सी फील्ड्स को जो है वो आप अपने सब फॉर्म के अंदर डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी कस्टमर के टेबल के अंदर जिस टेबल को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, जिसका सब फॉर्म बनाना चाह रही हूँ, वो है ऑर्डर का टेबल। और इस ऑर्डर के टेबल में मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, तो आप ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से मुझे ऑर्डर डेट की फील्ड भी चाहिए, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड फील्ड में डाल देंगे। उसके बाद आप ऑर्डर अमाउंट की
फील्ड को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्टेड फील्ड में आ जाएगा। यानी अब ये आपको पता लग गया है कि आपका सब फॉर्म जो है वो ऑर्डर के टेबल का होगा। क्योंकि दोस्तों फॉर्म्स तो हमेशा आप टेबल से ही बनाते हैं ना, कि टेबल का ही आप फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो अब आपने सब फॉर्म टेबल सिलेक्ट कर लिया है और उस सब फॉर्म टेबल के अंदर आप कौन कौन सी फील्ड चाहते हैं उस टेबल की, ऑर्डर के टेबल की, वो भी आपने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी पूछ रहा है वुड यू लाइक टू डिफाइन विच फील्ड्स लिंक योर मेन फॉर्म टू दिस सब फॉर्म योरसेल्फ। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप अब ये भी बताएं कि कौन सी फील्ड जो है वो आपके मेन फॉर्म से जो है वो लिंक करती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर आईडी है कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो ये फील्ड जो है ये हमारे मेन फॉर्म से लिंक करती होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शो ऑर्डर फॉर ईच रिकॉर्ड इन कस्टमर यूजिंग कस्टमर आईडी। यानी यहाँ पर हमें ये पता लग जाए कि किस कस्टमर आईडी ने कितने रिकॉर्ड्स, कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे चूज फॉर्म लिस्ट को, और इस तरह आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी पूछ रहा है कि आप अपने सब फॉर्म को नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे ऑर्डर सब फॉर्म और आप इसको फिनिश कर देंगे। ये कह रहा है कि इस नाम का पहले भी मौजूद है, तो आप लिख देंगे ऑर्डर, हम इसको लिख देते हैं माय ऑर्डर सब फॉर्म। इसके बाद आप फिनिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस कस्टमर टेबल के अंदर, कस्टमर फॉर्म के अंदर जो कि मेन फॉर्म है, उसका एक ऑर्डर का सब फॉर्म क्रिएट हो चुका है। दोस्तों ये डिजाइन व्यू है। अगर आप इसका फॉर्म व्यू देखना चाहते हैं तो अब आप इस व्यू के टैब के अंदर फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर का जो कि मेन फॉर्म है, सब फॉर्म क्रिएट हो चुका है ऑर्डर के नाम से, जिसके अंदर आपको हर कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं ये नजर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कस्टमर आईडी 1 ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो यहाँ पर ऑर्डर की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कस्टमर 2 की, तो इसने एक ही ऑर्डर प्लेस किया है जिसकी आईडी 4 है, डेट है 10/3/2002 और अमाउंट है 5000। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर 3 को देखें तो उसने 2 ऑर्डर प्लेस किए। यानी दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि सब फॉर्म के थ्रू आपको ये भी पता लग सकता है कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स को प्लेस किया है, एक ही फॉर्म में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है सब फॉर्म का, जब एक टेबल जो है उसका रिलेशनशिप होता है मल्टीपल टेबल्स के साथ, या फिर एक टेबल में मल्टीपल टेबल्स से जो है वो वैल्यूज आ रही होती हैं, तो फिर आप उन वैल्यूज को मल्टीपल टेबल्स से जो आ रही होती हैं उनको आप सब फॉर्म के थ्रू व्यू करवा सकते हैं यूजर को। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम रिपोर्ट्स को आप किस तरह से एमएस एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।